हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं लेके हूँ आप लोगों के मारुति सुजुकी की मोस्ट सेलिंग कार है, जो कि वैगन आर है, वो भी VXI CNG मॉडल में। तो वीडियो में बने रहे, चैनल पर नए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे। बात करूँ प्राइस की तो इसका 5.5 लाख से लेके आपको 7.5 लाख तक एक शोरूम प्राइस मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलेगी सभी मॉडल की। और ये आपको VXI CNG मॉडल में, तो इसका ऑन रोड आपको 8 लाख पड़ेगा मुजफ्फरपुर में। बाकी वीडियो में बने रहे, चैनल पर नए तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको पूरे फुल डिटेल दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में। बात करो अगर इसकी इंजन की तो आपको 900। चलिए फ्रंट साइड से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की लुक आ जाएगी। यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाएंगे सुजुकी की, क्रोम या क्रोम ट्रीटमेंट आपको ग्रिल में देखने को मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पे लाइट की तो रिफ्लेक्टर बेस आपको हेडलाइट देखने को मिलेंगे हेलोजन पर। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगी, वो भी हेलोजन। नीचे आपको फॉग लाइट नहीं मिलते हैं इस मॉडल में। बाकी अगर कुछ इस तरीके की लुक, नीचे की ग्रिल आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्विन हुक देखने को मिल जाती है और नीचे स्कीड प्लेट भी आपको ब्लैक ही देखने को मिलते हैं। और इसकी विड्थ बता दी तो 1620 mm आपको देखने को मिलते हैं। और आगे में इतनी बड़ी सी विंडशील आपको देखने को मिल जाती है डुअल वाइपर, डुअल वॉशर। ऊपर आपको कोई भी शार्क एंटीना नहीं देखने को मिलेगी, नॉर्मल एंटीना इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी फ्रंट साइड से कुछ यही लुक थे। लेंथ की तो 3655 mm आपको इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंच के टायर, 165/70 के टायर साइज आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। MRF के टायर स्टील रिम है विथ व्हील कवर के साथ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आगे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, सस्पेंशन ट्रैवल भी काफ़ी अच्छे खासे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ फेंडर पे आपको यहाँ इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ बेस मॉडल है। तो यहाँ पे VXI में भी अब देने लगे, ORVM पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलती है, नहीं फोल्ड अनफोल्ड शायद इस अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि मिलती है कि नहीं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर ही पिलर देखने को मिलेंगे, डोर हैंडल भी बॉडी कलर देखने को मिल जाती है। यहाँ लॉक अनलॉक के लिए चाबी से आप गेट को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ऊपर वो कोई भी रूफ रेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल कुछ यही थी। और पीछे आपको ड्रम देखने को मिल जाती है और आगे डिस्क इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बात करूँगा रेयर साइड की लुक की तो रेयर साइड कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको वैगन आर लिखे हुए पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे सुजुकी की लोगो, यहाँ पे आपको वाइपर वगैरह नहीं मिलते, नाइट डिफोकर, हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको कोई भी एंटीना वगैरह रूफ रेस आगे देखने को मिलेंगे। लाइट आपको यहाँ हेलोजन ही सेटअप मिलेंगे पूरे, ब्रेक इंडिकेटर और रिवर्स लाइट। नीचे आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 2। उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और गाड़ी की वेट बताओ तो 920 kg आपको देखने को मिल जाती है। व्हील बेस आपको 2435 mm देखने को मिल जाती है और हाइट इसको 1675 mm देखने को मिल जाती है। बाकी चलिए अब इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ CNG लगने के बाद क्या स्पेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट येल्लो में ही देखने को मिलेंगे, हेलोजन वाले ही। और इस तरीके की इसकी टेल पूरे आपको पैक्ड मिलेंगे, ओपन नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे CNG के सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे, ये वाइट कलर वाली। और ये स्टेपनी व्हील आपको वही 14 इंच में देखने को मिल जाएंगे, स्टील रिम है, ये भी MRF के देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कोई बूट स्पेस वगैरह उतना देखने को नहीं मिलते हैं। बात करूँ लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तो लेफ्ट साइड आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक भी मिल जाते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल, जो कि 60 लीटर कैपेसिटी के साथ पेट्रोल इंजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। CNG पेट्रोल आप स्विच कर सकते हो। बाकी कुछ साइड व्यू आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलते हैं यहाँ पे पूरे। बाकी की बात करें तो यहाँ पे 2 बटन मिलेंगे, लॉक अनलॉक, नॉर्मल चाबी की आपको मिलती है। यहाँ पे पीछे सुजुकी की लोगो देखने को मिल जाती है और आपको एक चाबी ऐसा मिलेगा, एक नॉर्मल मिलता है इसमें। बाकी चलिए कार के अंदर लेके चलता हूँ, इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। तो डोर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सेटअप की बात बताएं तो ये आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे हैंडल देखने को मिल जाएंगे, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे चारों पावर विंडो और यहाँ लॉक अनलॉक और यहाँ विंडो लॉक और ये ORVM रजिस्टर फोल्ड अनफोल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, नहीं फोल्ड अनफोल्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बाद बाकी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ बॉटल होल्डर और कुछ पेपर वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी नीचे आपको अगर दिखाऊं तो ये सीट आपको कुछ इस तरीके के फैब्रिक वाले ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है, बाकी सॉफ्ट है। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी फिक्स्ड मिलेंगे, यहाँ ब्लैक कलर की सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और नीचे आपको यहाँ पे आप सीट को ऑफ करोगे तो आगे पीछे कर सकते हो हाइट एडजस्टमेंट।
बाकी कुछ इस तरीके के स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगी। नीचे स्पोक टाइप के सिल्वर कलर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सुजुकी की लोगो, यहाँ SRS के दो एयरबैग इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, यहाँ पे वाइपर आपको मिल जाते हैं, यहाँ हेडलाइट कंट्रोल मिल जाते हैं। और स्पीडोमीटर को जिस तरीके की नॉर्मल 180 की टॉप स्पीड के साथ यहाँ पे AC वेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको फ्यूल स्विच करने के लिए CNG और पेट्रोल में, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको तीन पैडल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ स्टीयरिंग आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओनली आप टिल्ट कर सकते हो, इसमें टेलीस्कोपिक वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। बात करूँ यहाँ पे इंफोटेनमेंट की, तो यहाँ नॉर्मल टिपिकल वाले आपको हेड यूनिट लगे हुए हैं जो कि ब्लूटूथ ऑक्स ये सब सपोर्ट करती है। आप यहाँ से म्यूजिक साउंड कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। ये पूरा एडजस्टमेंट के बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाएंगे, टेम्परेचर कंट्रोल। नीचे आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाती है 12 वोल्ट की, और कुछ स्पेस यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको छोटे से मिल जाएंगे पॉकेट वगैरह कुछ रखने के लिए चाबी हुई, और यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको मैनुअल ही मिलते हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसमें आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी कुछ इस तरीके की साइड व्यू आपको देखने को, नीचे आपको तीन पैडल देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको डेड पैडल भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे। बाद बाकी ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेंगे, कूल वूल नहीं मिलते हैं इसमें, और IR भी हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाती है सनसेट पे, यहाँ पे आपको येलो कलर की लाइट देखने को मिल जाएंगे, रीडिंग लाइट। और ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी रियर साइड डोर की बात करें तो कुछ इस तरीके के डोर आपको देखने को, पूरे ब्लैक कलर में, और यहाँ पे आपको और पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पॉकेट, यहाँ हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाते हैं, नीचे स्पीकर, बोतल होल्डर। और बात करूँ सीट की तो कुछ इस तरीके की सीट आपको फैब्रिक वाले ही देखने में, तो यहाँ पे हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, फिक्स नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर की सीट बेल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको तीन पीछे तीन सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप सीट को ऊपर करके रिक्लाइन कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। बाद बाकी अगर कंफर्ट वगैरह की बताऊँ तो चलिए कंफर्ट भी आपको दिखा ही देता हूँ कि लेग स्पेस वगैरह क्या होते हैं, कितने हैं इसमें, मैं बैठ के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लेग स्पेस की बात करें तो कुछ बैठने के बाद लेग स्पेस आपको इतना देखने को मिलेगी, सीट नॉर्मल पे है, ज़्यादा आगे भी नहीं, ज़्यादा पीछे भी नहीं, और छोटे से हम्प आपको देखने को मिलेंगे। पीछे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं, AC वेंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाती है, और पीछे पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ यहाँ पे स्पेस यहाँ पे मिलेगी जो कि 4-5 किलो के सामान वगैरह रख सकते हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसमें ऑफर नहीं किए जाते हैं। थर्ड सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड पैसेंजर के लिए, और सीट ये आपको ये कवर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं, और रियर साइड से कुछ फ्रंट साइड की इस तरीके के व्यू आपको देखने को मिलेगी।